ने दिल्ली जल बोर्ड को संपर्क किया तो उनके विभिन्न अधिकारी, कभी जूनियर इंजीनियर, कभी कोई और इंजीनियर, कभी टेक्नीशियन, वो लोग आते थे, पानी टेस्ट करते थे, पानी में स्मेल है, कहते कि यहाँ पानी कंटेमिनेटेड है, कहाँ से आ रहा है, वो प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं कर पा रहे। उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, हमने देखा कई जगह फोटोग्राफ्स भेजे कि कहाँ पर पानी, सीवर का पानी मिक्स हो रहा है हमारे ड्रिंकिंग वाटर से, पर उनके पास कोई समाधान नहीं था। तो जब ये बात सोमनाथ भारती जी के पास पहुंची तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके खुद उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा मैं स्वयं आना चाहता हूँ और मैं डायरेक्टली लोगों से, यहाँ के रेजिडेंट से या पटपड़गंज के आसपास की मैं जो भी सोसाइटी हैं उनकी समस्याओं को सुनना चाहता हूँ और फिर उसका समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। तो आज वो, उन्होंने जो समय दिया था उससे पहले ही वो पहुँच गए। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जो विभिन्न विभाग हैं, PWD है, DDA है, वो सबके अधिकारियों को यहाँ बुला रखा था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी भी विभाग का ना कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कोई भी समस्या सुलझती नहीं है किसी भी चीज़, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन करो, चाहे पेड़ों से रिलेटेड हो या ड्रेनेज से रिलेटेड हो, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती क्योंकि वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, हर विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के ऊपर डालते। लेकिन जब भारती जी आए और उनका जो दृष्टिकोण था, जो उनका एटीट्यूड था, जो उन्होंने अपनी कार्यशैली बताई, तो उससे वाकई में हम बहुत प्रभावित हुए। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एक डेडलाइन दी है, उन्होंने कहा कि एक महीने में ये कंटेमिनेटेड वाटर की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो हमें उम्मीद है, पूरी आशा है, अब हम देखेंगे कि अगर एक महीने में ये सॉल्व कर देते जिस ढंग से उन्होंने सारी समस्याओं को समझा, तो हमें लगता है कि हो जाना चाहिए।